दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है, दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों गुरु से ज्ञान लेकर के दक्षिणा ना देना अच्छी बात नहीं है ना। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है और मैं खुश हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, बहुत बहुत आप लोगों से प्रार्थना है, आप जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यारो, लाइक करो, शेयर करें। और दोस्तों नए व्यूअर और दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तभी सारी बातें समझ पाएंगे। दोस्तों चंद्रप्रभा बटी टैबलेट आती है आयुर्वेदिक, आप लोगों ने सुना होगा, यह बहुत सारे रोगों को समाधान करती है, खासकर मूत्र रोग, औरतों में लिकोरिया, कमर कटना, धातु रोग वगैरह में बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है, शुगर रोगियों में फायदा करती है। लेकिन कभी आप लोगों ने सुना है कि इसके क्या नुकसान भी हो सकते हैं? आज आप लोगों को मैं इसके नुकसान के बारे में बताऊंगा, आप लोग ध्यान सुनना और मेरे वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों साइड इफेक्ट ऑफ चंद्रप्रभा बटी टैबलेट्स, दोस्तों पहला नंबर, दोस्तों यह अगर इसका यदि एक्सेस प्रयोग किया जाए, बेतहाशा प्रयोग किया जाए, यह आमाशय में जाकर के फोड़ा पैदा करती है, गैस्ट्रोल पैदा करती है, पेप्टिक अल्सर, आंतों का अल्सर आपको हो सकता है। अतः इसका कतई अधिकतम इस्तेमाल ना करें और जब भी करें तो डॉक्टर के देखरेख सलाह से करें, ठीक है। दोस्तों इसको खाने से आयरन की अधिकता बढ़ सकती है, इसका यदि ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, दोस्तों इसमें आयरन पाया जाता है और आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, या ताकत देती है। तो यदि इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके बॉडी में खून में आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी, फलतः आपको तरह तरह की बीमारी आयरन बढ़ने से हो सकती है। दोस्तों यह श्वास रोग भी पैदा करता है, दोस्तों इसका तासीर ठंडा होता है, इसका अधिक इस्तेमाल करने से खांसी, दमा, श्वास रोग, हाफ की बीमारी आपको हो सकती है। तो इसका अधिकतम इस्तेमाल करने से बचें और कभी किसी डॉक्टर के देखरेख में ही इलाज करें। दोस्तों इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से ओडिमा यानी शरीर में जहाँ तहाँ पानी पड़ने की बीमारी भी हो सकती है। देखना बॉडी में जहाँ तहाँ पानी पड़ जाता ना, फेफड़े में पानी पड़ना या किसी बॉडी के पार्ट में पानी पड़ना, यानी इसको ओडिमा कहा जाता है, शरीर में जहाँ तहाँ पानी पड़ना। यानी यदि चंद्रप्रभा बटी के अधिकतम इस्तेमाल किया जाए तो आपके शरीर में ओडिमा नाम की बीमारी हो सकती है। थैलेसीमिया यानी ऑक्सीजन कम पड़ना, या ऑक्सीजन का ये वाहक है, जो ऑक्सीजन की वाहक नलियां होती है ना, वह कम हो जाती है, खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन खतरा है, इसका यदि ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो आपके बॉडी में जो नसों में खून दौड़ती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह कम हो सकती है। दोस्तों गर्भवती महिलाओं को चंद्रप्रभा बटी का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, या करें तो कभी डॉक्टर के देखरेख सलाह से ही इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्भवती माताओं को चंद्रप्रभा बटी इस्तेमाल करने से नुकसान होने का जोखिम है, ठीक है। दोस्तों ये 6-7 जो आप लोगों को मैं चंद्रप्रभा बटी के जोखिम बताए, रिस्क बताए, या जाँच में पाया गया कि सही है करीब करीब, अतः आप लोग कभी भी सावधानी पूर्वक या डॉक्टर और देखरेख में ही इसका इस्तेमाल करें, समझ गए। तो यदि आप लोग का मेरा सलाह अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।